हेलो फ्रेंड्स, उसका दिल आपके लिए क्या सोचता है और दूसरी तरफ उसका माइंड आपके लिए क्या सोचता है। सबसे पहले देखते हैं उनका दिल आपके लिए क्या सोचता है, क्या सोच रखा है। आपको चूज़ करना है दिल वाले टॉपिक के लिए दिल वाले वर्ड में से एक अल्फ़ाबेट अपना। अगर आपने एल को चूज़ करा है तो देन आपका आंसर है ये। उसके दिल ने तो ये सोच रखा था कि कभी आपसे दूर नहीं होना है, ये सोचा था उसके दिल ने। देन इसके बाद आपके लिए आंसर है डी वाले अल्फ़ाबेट का। उसके दिल ने आपसे शादी का सोच रखा है, उसके दिल ने आपसे सोचा था कि वो आपसे शादी करेंगे। देन इसके बाद आपके लिए आंसर है आई अल्फ़ाबेट का, जो कि है आपका दिल ने तो बस प्यार सोच रखा था आपके लिए और कुछ नहीं। इसके बाद देखते हैं कि उसके माइंड ने क्या सोच रखा था दूसरी तरफ आपके लिए। सो, इसके लिए आपको एम आई एन में से एक अल्फ़ाबेट चूज़ करना है और उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है सो जल्दी से वो भी करना है। आई अल्फ़ाबेट का आंसर है ये आपका। माइंड में यही बात आती है कि दोनों एक नहीं हो सकते, उसका माइंड तो यही सोचता है। एम अल्फ़ाबेट का आंसर आपका है ये। माइंड में आपसे शादी करने की बात है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल है आपसे शादी का भी। देन इसके बाद आंसर है एन अल्फ़ाबेट, लास्ट में इसका आंसर है ये। उसके माइंड में किसी और का भी ख्याल है, आपके अलावा वो किसी और के बारे में भी सोचता है। सो, ये थी उनके दिल और माइंड की बातें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय।